Hare Krishna, Srimad Bhagavad Gita, Adhyay 11, Shlok Sankhya 8. Is adhyatmik gyan mein pravesh karne se pehle, Guru aur Gauranga se kripa ki yachna karte hue mangalacharan karenge, taki hum jo adhyayan kar rahe hain, uska pura pura labh prapt ho sake, jo ke hai Krishna prem ki prapti. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Akyanti Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militamena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kadamahayam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guruhu Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagra Jatam Sagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamsha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpati Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhano Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Srimad Bhagavad Gita Mata Ki Jai Ho. Adhyay 11 Shlok Sankhya 8. भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए. भगवान कहते हैं, न तु माम शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः Pashyami Yogamaishwaram Natumam Shakyasi Drashtum Aninaiva Swachakshusha Divyam Dadamiti Chakshuhu Pashyami Yogamaishwaram Natumam Shakyasi drashtum Aninaiva Swachakshusha Divyam dadamiti chakshuhu Pashyami Yogamaishwaram. Shabdart Na Kabhi nahi Tu Lekin Maam Mujhko Shakyasi तुम समर्थ होगे द्रष्टुम देखने में. अनेन इन
एव निश्चय ही स्वचक्षुषा अपनी आँखों से दिव्यम दिव्य ददामी देता हूँ ते तुमको चक्षुहु आँखें पश्य देखो मैं मेरी योगमैश्वरम अचिंत्य योग शक्ति को। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद किंतु तुम मुझे अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आँखें दे रहा हूँ, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय हो। श्रीला प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बहुत ही सुंदर बातें बताते हैं। हम सब ध्यान से श्रीला प्रभुपाद जी के तात्पर्य को श्रवण करेंगे। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, शुद्ध भक्त कृष्ण को उनके दो भुजी रूप में कि उसके अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में देखने की इच्छा नहीं करते। आप इसे देखिए, शुद्ध भक्त कृष्ण को उनकी दो भुजी रूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में देखने की इच्छा नहीं करते। भक्त को भगवत कृपा से ही उनके विराट रूप का दर्शन दिव्य चक्षुओं यानी नेत्रों से करना होता है, ना कि मन से। कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करने के लिए अर्जुन से कहा जाता है कि वह अपने मन को नहीं अपितु दृष्टि को बदले। कृष्ण का यह विराट रूप कोई महत्वपूर्ण नहीं है, यह बाद के श्लोकों में पता चल जाएगा। फिर भी चूंकि अर्जुन इसका दर्शन करना चाहता था, अतः भगवान ने इससे इस विराट रूप को देखने के लिए विशिष्ट दृष्टि प्रदान की। जो भक्त कृष्ण के साथ दिव्य संबंध से बंधे हुए हैं, वे उनके ऐश्वर्यों के ईश्वर विहीन दर्शनों में नहीं अपितु उनके प्रेममय स्वरूपों से आकृष्ट होते हैं। कृष्ण के बाल संगी, कृष्ण के सखा तथा कृष्ण के माता तथा पिता यह कभी भी नहीं चाहते कि कृष्ण उन्हें अपने ऐश्वर्यों का प्रदर्शन करे। वे तो शुद्ध प्रेम में इतने निमग्न रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कृष्ण भगवान है। वे प्रेम के आदान प्रदान में इतने विभोर रहते हैं कि वे भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण परमेश्वर हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कृष्ण के साथ खेलने वाले बालक अत्यंत पवित्र आत्माएं हैं, और कृष्ण के साथ इस प्रकार खेलने का अवसर उन्हें अनेक जन्मों के बाद प्राप्त हुआ है। ऐसे बालक यह नहीं जानते कि कृष्ण भगवान है, वे तो उन्हें अपना निजी मित्र मानते हैं। अतः सुखदेव गोस्वामी यह श्लोक सुनाते हैं, श्रीमद् भागवतम 10.12.11। इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदेवतेना मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजहरु कृत पुण्य पुंजा। इत्थम सतानां ब्रह्म सुखानुभूत्या, यह वह परम पुरुष है जिसे ऋषिगण निर्विशेष ब्रह्म करके मानते हैं। दास्यं गतानां परदेवतेना, भक्तगण भगवान मानते हैं और सामान्य जन प्रकृति से उत्पन्न हुआ मानते हैं। माया शतानाम नरदायक है, यानी जो माया के असर में होते हैं वो क्या मानते हैं, सामान्य जन मानते हैं। साकम विजहु कृत पुण्य पुंजा, ये जो बालक है जिन्होंने अपने पूर्व जन्म में अनेक पुण्य किए हैं, अब
उसी भगवान के साथ खेल रहे हैं। कृत पुण्य पुंजा, ये कोई साधारण बात नहीं है कि भगवान के साथ प्रेम का संबंध निर्माण किया जाए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी भगवान के साथ भगवान के बाल सखाओं की महिमा बता रहे हैं। आगे श्री रूपा जी कहते हैं, तथ्य तो यह है कि भक्त विश्व रूप को देखने का इच्छुक नहीं रहता, किंतु अर्जुन श्री कृष्ण के कथनों की पुष्टि करने के लिए विश्व रूप का दर्शन करना चाहता था, जिससे भविष्य में लोग यह समझ सकें कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक या दार्शनिक रूप से अर्जुन के समक्ष प्रकट हुए, अपितु साक्षात रूप में भी प्रकट हुए। अर्जुन को इसकी पुष्टि करनी थी, क्योंकि अर्जुन से ही परंपरा पद्धति प्रारंभ होती है। जो लोग वास्तव में भगवान को समझना चाहते हैं और जो अर्जुन के पदचिन्हों का अनुसरण करना चाहते हैं, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि कृष्ण के न केवल सैद्धांतिक रूप में अपितु वास्तव में अर्जुन के समक्ष परमेश्वर के रूप में प्रकट हुए। भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप देखने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान की, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन इस स्वरूप को देखने के लिए विशेष इच्छुक ना था, जैसा कि हम पहले बतला चुके हैं। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। श्रीमद् भगवद् गीता चैप्टर 11 वर्स नंबर 8। अत्यंत ही सुंदर शब्द हैं भगवान के, जैसा कि अर्जुन ने भगवान से कहा कि यदि आपको ऐसा लगता है, मन्य से यदि तत्सख्यम, यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर सामर्थ्य है, मया दृष्टमिति प्रभु, आप फिर मुझे वो वाला स्वरूप दिखाओ। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, न तुमाम शक्य से दृष्टम, नहीं तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं है। न तू माम शक्य से द्रष्टुम अनेन एव स्वचक्षुषा, तुम्हारे नेत्रों में तो वो सामर्थ्य ही नहीं है कि तुम मेरे उस स्वरूप को देख सको। वो विश्व स्वरूप बहुत विशाल है, उसको देखने के लिए तुम योग्य नहीं हो। तो जैसे भगवान को अर्जुन ने कहा, योगेश्वर तत्व में तुम दर्शयाम आत्मनो, आप तो योगेश्वर हो, आप कोई तरीका कर सकते हो, आप किसी न किसी से किसी तरह से मुझे कृपा प्रदान करके अपने उस स्वरूप को दिखला सकते हो। तो भगवान कहते हैं, ठीक है, तुम मुझे योगेश्वर मानते हो, तो मैं भी तुम्हारी इस इच्छा को पूरा करने के लिए तुम्हें योग्य बना देता हूँ। फिर कैसे योग्य बनाता हूँ? दिव्यम ददामि ते चक्षुः, आई एम गिविंग यू दिव्य दृष्टि, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ, दिव्य चक्षु दे रहा हूँ, पश्चिमी योगम ऐश्वरम, जिसके द्वारा तुम मेरे इस योग ऐश्वर्य को देखो। जो विश्व रूप के उपासक होते हैं, वो पता है क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि जो ये विश्व स्वरूप है वही सर्वश्रेष्ठ रूप है। इसीलिए अर्जुन अपनी नेत्रों से उस विश्व स्वरूप को देख नहीं सके। लेकिन ऐसा नहीं है, अर्जुन एक भक्त थे और भक्त भगवान के वास्तविक स्वरूप को देखते हैं। भगवान का वास्तविक स्वरूप ये विश्व रूप नहीं है, ये विश्व रूप तो इस भौतिक जगत का एक स्वरूप है। जैसे भागवतम में बताया जाता है कि भगवान का स्वरूप इतना विशाल है, सूरज और चंद्र भगवान के नेत्र हैं, संसार में जितनी भी नदियां हैं वो भगवान की जो नसें हैं ना, जो जिस रगें होती हैं वाइन्स, वो हैं, और भगवान जितने भी पहाड़ हैं वो भगवान के शरीर की हड्डियां हैं, जितने भी वृक्ष हैं वो भगवान के शरीर के रोम हैं। मतलब इतना विशाल है, इतना विशाल है कि ये पूरा संसार जो है वो भगवान के ही अंदर समाया हुआ है। परंतु भक्तों, एक विशेष बात ये है कि भले ही विश्वरूप बहुत विशाल हो, परंतु
इतना विशाल और बड़ा होने से फायदा क्या है? मतलब इसके साथ प्रेम का आदान प्रदान तो नहीं किया जा सकता। जैसे आसमान कितना बड़ा है लेकिन उससे हमारा क्या लाभ, हम क्या कर सकते हैं, क्या हम उससे कोई प्रेम का संबंध निर्माण कर सकते हैं? प्रेम का संबंध यदि निर्माण करना है तो उसके लिए जो प्रेमी होगा वो भी हमारे जैसा होना चाहिए। इतना विशाल भगवान हो, इतना महान हो, उसका भला हम क्या करें? इसी तरह से जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा जा रहे थे तब गोपियों ने उन्हें रोकना चाहा, भगवान को कृष्ण को कहा कृष्ण तुम हमें छोड़कर मत जाओ। तब कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़कर थोड़ी जा रहा हूँ, मैं तो कण कण में हूँ, मैं तो हर जगह पे हूँ, तुम जहाँ स्मरण करोगे तो वहाँ पर मैं तुम्हें दिखूंगा। तब गोपियाँ कहती हैं हमें ये तत्व ज्ञान मत बताओ, सीधी तरह से बताओ दोबारा कब भाओगे कृष्ण? जब उद्धव वृंदावन की गोपियों को भगवान के तत्व ज्ञान के विषय में बताते हैं कि जिसको तुम अपना प्रेमी मानते हो वो वास्तव में भगवान है, वो तो हर जगह पर है, आप यदि यहाँ पर उनका ध्यान करने बैठ जाओगे तो वहाँ पर भी तुम्हें दर्शन दे देंगे, भगवान तो निराकार है, कण कण में व्याप्त है। तब गोपियाँ उद्धव के कहते हैं ध्यान तो मन से लगाया जाता है ना उद्धव, हमारे पास तो एक ही मन था, एक ही हृदय था, वो कृष्ण को दे दिया, अब तुम्हारे इस निराकार स्वरूप भगवान का, विश्व रूप भगवान जो कण कण में है उसका ध्यान हम किससे करें, हमारा मन तो कृष्ण ले गया। ये जो तुम्हारे ज्ञान की बातें हैं वो अपने पास रखो, हमें इनकी आवश्यकता नहीं है, हम तो प्रेम दीवानी हैं और हमें प्रेम करने के लिए उसी कृष्ण की आवश्यकता है, उसी कृष्ण से हम प्रेम करते हैं, उसी के दर्शन करना चाहते हैं, उसी को प्रेम करना चाहते हैं, उसी को यहाँ देखना चाहते हैं, हमें तुम्हारे इस तत्व ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं शुद्ध भक्त कृष्ण को उनके दो भुजी रूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में देखने की इच्छा नहीं करता, वो भगवान को उसी सौम्य स्वरूप में देखने की इच्छुक है। आगे जाके अर्जुन भी यही कहे, आज भले अर्जुन ये कह रहे हैं कि मुझे विश्व रूप के दर्शन करने हैं लेकिन आगे जाके अर्जुन भगवान से यही निवेदन करेंगे कि मुझे तो डर लग रहा है कृष्ण इस विश्व रूप से, हटाओ इसको और मुझे अपना वही असली सौम्य स्वरूप दिखाओ जो कि मेरे सखा के स्वरूप में है। इसलिए एक बार क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण वृंदावन की गोपियों के सामने चतुर्भुजी स्वरूप में आकर खड़े हो गए और उनसे बात करने लगे। तब वृंदावन की सारी गोपियों ने कहा कि ये कौन है पता नहीं, डर लग रहा है, सब इधर उधर भागने लगे। बोला इसके साथ हमें बात नहीं करनी है, इससे तो डर रहे हैं, हम लोगों को तो डर लग रहा है, हमें इससे कुछ उनसे पूछ रहे थे क्योंकि कृष्ण गायब हो गए और चतुर्भुजी स्वरूप हो गए थे ना, तो उनसे पूछ रहे थे कि भगवान आपने हमारे कृष्ण को देखा, वो अभी यही था, पता नहीं कहाँ चला गया है। तो बोला मैं भगवान हूँ, आपको मैं दर्शन दे रहा हूँ और आप ना उस लड़के के विषय में पूछ रहे हो, उस ग्वाले के विषय में। तो बोला आप भले भगवान होगे, उनके लिए जो आपको जिनको आपसे प्रेम होगा, जो भगवान चाहते होंगे उनके पास जाइए, परंतु हमें तो हमारे कृष्ण से प्रेम है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि विश्व रूप जो है वो भगवान के वास्तविक स्वरूप द्विभुज स्वरूप से श्रेष्ठ है, इसीलिए अर्जुन को भगवान को दिव्य दृष्टि देनी पड़ी, परंतु यहाँ पर मेन बात क्या है, भगवान ने कहा है दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुमको दिव्य यानी ऐसी दृष्टि दूंगा जैसी देवताओं के पास है, परंतु भक्तों की जो दृष्टि होती है वो देवताओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ होती है। भगवान के दर्शन करने के लिए उसे दिव्य दृष्टि की आवश्यकता नहीं होती है, भगवान तो अपने हृदय के नेत्रों पे
कृष्ण प्रेम का अंजन लगाते हैं और उसी के द्वारा कृष्ण के दर्शन करते हैं। जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रेम अंजना छ्रिता भक्ति विलोचनेना। भगवान के दर्शन करने के लिए दिव्य दृष्टि की जरूरत नहीं होती है, वो तो प्रेम से दिखते हैं। अब भी अर्जुन जो है वो प्रेम अंजन लगा के कृष्ण को कृष्ण के स्वरूप में देख रहा था, और अब भगवान उसको दिव्य दृष्टि दे रहे हैं, यानी ऊपर से नीचे की तरफ ला रहे हैं। भक्त जो है वो भगवान के साथ कुछ भी कर सकता है, भक्त जैसे भगवान के साथ खेल सकता है, भगवान को अपना ड्राइवर बना सकता है, भगवान को अपना बच्चा बना सकता है, भगवान के साथ कोई भी संबंध जोड़ सकता है। क्या देवता जोड़ सकते हैं? देवता तो सदैव भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, परंतु जो भक्त होते हैं वो तो भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। इसलिए भक्तों को भगवान के इस विराट स्वरूप में कोई रुचि नहीं होती है। जैसे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्ण के बाल संगी, कृष्ण के सखा तथा कृष्ण के माता पिता, ये कभी चाहते ही नहीं थे कि कृष्ण उनको अपने ऐश्वर्यों का प्रदर्शन कराए। उनको कोई इच्छा ही नहीं होती थी कि भगवान कृष्ण जो है वो भगवान बनकर उनके सामने आए। वे तो शुद्ध प्रेम में इतने निमग्न होते थे कि वो अपने आप को ये कभी एहसास ही नहीं दिलाना चाहते थे कि हम जिसके साथ रहते हैं वो भगवान है। उन्हें तो कृष्ण के इसी बाल गोपाल वाले स्वरूप से प्रेम था, तो वो सदैव भगवान कृष्ण को उसी स्वरूप में देखना चाहते थे, क्योंकि उन भक्त को भगवान से किसी वस्तु की नहीं बल्कि प्रेम की आवश्यकता होती है। तो श्रील प्रभुपाद जी सेकंड पेरा में एक बहुत ही सुंदर बात बताते, वे कहते हैं, जो भक्त कृष्ण के साथ दिव्य संबंध में बंधे हुए हैं वे उनके ऐश्वर्यों के ईश्वर विहीन प्रदर्शनों से नहीं अपितु उनके प्रेममयी स्वरूपों से आकर्षित होते हैं। कितना सुंदर शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर आप भगवान के साथ अपना प्रेम का संबंध निर्माण करते हो तो आप ये नहीं चाहते कि भगवान के ऐश्वर्यों वाले ईश्वर विहीन का क्या मतलब है, जिसमें वास्तव जो भगवान का स्वरूप है वो खत्म। हालांकि ये जो स्वरूप है वो भी ईश्वर का ही स्वरूप है ना, भगवान ही अपने इस विश्वरूप को दिखा रहे हैं, लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, ईश्वर उनके ऐश्वर्यों के ईश्वर विहीन प्रदर्शनों से नहीं। ईश्वर विहीन मतलब साक्षात भगवान का तो उसमें प्रदर्शन है ही नहीं, भगवान की तो इसमें कोई मिठास नहीं है, भगवान का जो माधुर्य नहीं है, भगवान जिस तरह अपने प्रेमियों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं वो तो है ही नहीं। तो भला भक्त उस दर्शन से, उस स्वरूप से क्यों आकर्षित होंगे? उन्हें इनसे कोई आकर्षण नहीं होता बल्कि प्रेममयी स्वरूपों से आकर्षण उनका होता है। तो जो भगवान जब इस भौतिक जगत में आते हैं और जो लोग उनके साथ, जो भी भक्तगण जैसे ग्वालों के रूप में भगवान के सखा होते हैं, गोपियों के रूप में भगवान के साथ जो प्रेम का आदान प्रदान करती हैं, जो भगवान की शिकायत लेकर आती हैं, जो यशोदा मैया नंद बाबा जिनके साथ भगवान का संबंध होता है, तो ऐसे ही किसी को चुन नहीं लिया, बल्कि उन्होंने तो करोड़ों करोड़ों जन्मों में इतने पुण्य किए होंगे कि भगवान ने साक्षात उनको अपना सानिध्य प्रदान किया, अपना प्रेम प्रदान किया। इसलिए वेदव्यास जी ने यहाँ पर लिखा है कृत पुण्य पुंजा, कि उन्होंने बहुत बहुत पुण्य किए। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बताए, अर्जुन केवल भविष्य में जो लोग ऐसे बोले कि भगवान ने केवल सिद्धांतिक रूप में बता दिया मैं ये हूँ और मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है, मैं अपने एक अंश से ही इस पूरे संसार को धारण करके चला रहा हूँ, खाली बोल दिया, बोल तो कोई भी देगा, दिखाया तो नहीं ना, तो इसीलिए अर्जुन एक प्रमाण चाहते थे, एक सबूत चाहते थे। इसीलिए अर्जुन ने भगवान को यह निवेदन किया था कि आप मुझे इस स्वरूप को दिखाइए। लेकिन यही अर्जुन आगे चल के भगवान के सामने ये कहेगा कि मुझे इस विश्व रूप में कोई आकर्षण नहीं है, ये भी हमारे लिए प्रमाण दे रहे हैं अर्जुन के भक्त को इन भगवान के विश्व रूप में कोई भी आकर्षण नहीं होता, बल्कि भक्त तो भगवान के साथ प्रेम करना चाहता है, भगवान के साथ प्रेम का संबंध जोड़ना चाहता है, जो केवल भगवान के कृष्ण द्विभुज स्वरूप में ही संभव है। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक बात समझने की है, वो ये है कि कोई चाहे कृष्ण को सामान्य बालक समझे, चाहे ब्रह्म तेज का उद्गम निराकार समझे, परमात्मा समझे, कुछ भी समझे,
उसे चाहिए कि वे केवल कृष्ण के शरण कमलों में ही अपना ध्यान पूरी तरह से केंद्रित करे। अब वो जिस स्टेज पर होगा उसी स्टेज से भगवान को समझेगा, लेकिन वो कहीं पर भी है, किसी भी स्टेज पर है, किसी भी उसकी बुद्धि चाहे कुछ भी सोच रही है, परंतु उसे केवल कृष्ण को ही अपने केंद्र बनाना चाहिए अपने जीवन का। यही बात भगवान श्री कृष्ण 18.16 में यही उपदेश देते हैं, सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरण रजा, तुम्हें मेरी शरण में आना है सब धर्मों को छोड़कर, फिर चाहे तुम मुझे कुछ भी समझ रहे हो, तुम मुझे निराकार समझ रहे हो, साकार समझ रहे हो, परमात्मा समझ रहे हो, जो भी समझ रहे हो, तुम्हें मेरी शरण में आना है। यदि मनुष्य अपना थोड़ा भी ध्यान कृष्ण तथा उनके कार्यकलापों की ओर लगाए तो उसे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है। क्योंकि जैसे जैसे हम भगवान श्री कृष्ण के विषय में सोचेंगे, भगवान श्री कृष्ण से अपने प्रेम को निर्माण करेंगे, वैसे वैसे भौतिक आकर्षण समाप्त हो जाएगा। और भगवान कहते हैं कि आपके जीवन की सिद्धि यही है कि आप मुझे स्मरण करो, क्योंकि जब हम भगवान को स्मरण करेंगे तभी तो अंत समय में हमें भगवान याद आएंगे। और श्रीमद् भागवतम 2.1.6 में मनुष्य जीवन की सफलता बताई गई है, जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मरति। यदि हम अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य अंतिम क्षण में कृष्ण या नारायण का येन केन प्रकार स्मरण कर सकें तो ही हमारा जीवन सफल होगा। इसलिए हमें अपना पूरा का पूरा प्रेम, अपना पूरा पूरा ध्यान और पूरा का पूरा आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के नाम में, उनकी कथाओं में, उनके जो लीलाएं हैं उनमें लगाना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन की वास्तविक सिद्धि को प्राप्त कर सकें। आज सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, श्रीमद्